सो हैलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में काइन मास्टर मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से एक अट्रैक्टिव वाटर स्प्लैश इंट्रो बना सकते हो। लेट्स बिगिन। दोस्तों, इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक करके 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने एक ब्लैक कलर की इमेज को सिलेक्ट करके उसकी लेंथ को 10 सेकंड्स कर देना है। अब आपने लेयर्स पर क्लिक करके मीडिया में चले जाना है। देन इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। इस टेम्पलेट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको फुल स्क्रीन पर कर देना है। देन आपने 0.2 सेकंड्स पर बुकमार्क करके लेयर्स पर क्लिक करके मीडिया में चले जाना है। देन आपने अपने YouTube चैनल के लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। लोगो सिलेक्ट करने के बाद आपने 3 सेकंड पर जब वाटर स्प्लैश हो रहा हो, देन आपने लोगो की फ्रेमिंग कुछ इस तरह से कर देनी है। अब आपको ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पॉइंट 4 सेकेंड्स पर अगेन आपने लेयर्स पर क्लिक करके मीडिया में चले जाना है। देन आपने अगेन अपने YouTube चैनल के लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। लोगो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब आपने अगेन लेयर्स पर क्लिक करके इफेक्ट्स में चले जाना है एंड आपने इस एसेट स्टोर पर क्लिक कर देना है। एसेट स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपने डिस्टॉर्शन वाले फोल्डर में चले जाना है एंड आपने इस वेव रैप 2.0 इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस इफेक्ट को डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड होने के बाद इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी सेटिंग्स में चले जाना है। देन आपने इसकी एक्स फ्रिक्वेंसी को 30% सेट कर देना है एंड इसकी वाई फ्रिक्वेंसी को 10% कर देना है एंड इसकी एक्स एम्पीट्यूड को 10 पर एंड इसके वाई एम्पीट्यूड को 0 पर कर देना है एंड इसकी स्पीड को भी 10 पर कर देना है। अब आपको ये लोगो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सिंपली अब आपने 0.7 सेकंड्स पर इस इफेक्ट की फ्रेमिंग कर देनी है। सिंपली आपने की वाले आइकन पर क्लिक करके प्लस के आइकन पर क्लिक करके इफेक्ट को स्केल डाउन कर देना है। अगेन आपने लेयर्स पर क्लिक करके टेक्स्ट में चले जाना है। देन आपने अपने चैनल नेम को टाइप कर देना है। सिंपली अब आपने इसके फॉन्ट स्टाइल को रोबोटो ब्लैक फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर देना है या आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने फॉन्ट की इन एनिमेशन को फेड पर सिलेक्ट करके एनिमेशन टाइम को 1 सेकंड पर कर देना है। ये सब होने के बाद सिंपली अब आपने टेम्पलेट पर क्लिक करके टेम्पलेट को ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। एंड इसकी ब्लेंडिंग को एज स्क्रीन कर देना है। अब आपने अगेन टेम्पलेट्स पर क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। अब आपने इस टेम्पलेट को कुछ इस तरह से क्रॉप कर देना है। देन इसकी ब्लेंडिंग को नॉर्मल कर देना है।
ये सब होने के बाद सिंपली अब आपने प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाकर वीडियो फेड आउट को एनेबल करके 1.25 सेकंड्स पर सेट कर देना है। दोस्तों अगर आपको ये इंट्रो ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।